हम बात कर रहे हैं एनसीसी की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल स्टॉक 2% के अपसाइड के साथ हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस वक्त स्टॉक जो 259.70 पैसे पर फिलहाल हमको ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने 268 के लेवल से रिजेक्शन लिया था, हमने तगड़े सपोर्ट के तौर पर 240 के लेवल को डिस्कस किया था, क्योंकि इसी लेवल से स्टॉक ने हमको 268 तक के टारगेट दिखाए थे। और देख सकते हैं उसी लेवल से स्टॉक ने अगेन हमको रिकवरी दिखाई है, और इसी रिकवरी के साथ हम देख सकते हैं एक जंप आया है, गिरावट आई, लो ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, अगेन जंप, हाई ब्रेकआउट, अगेन गिरावट, लो ब्रेकडाउन नहीं हो पाया, अगेन स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है, अपने इस हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। स्टॉक इस वक्त जहाँ काम कर रहा है, एक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। हम देख सकते हैं इससे पहले इसी लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया हुआ है। 260 का लेवल इसका रेजिस्टेंस है, तगड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है और हमको चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, स्टॉक अपने इस हाई को 260 के लेवल को ब्रेकआउट करके अगेन नेक्स्ट टारगेट बनेगा 264 का लेवल, और 264 के बाद नेक्स्ट जो तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा 268 के लेवल पर करने वाला है, जहाँ से स्टॉक ने गिरावट दिखाई थी। चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग इसका ये हाई भी हमको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ सकता है। लगातार हमको एनसीसी लंबे टारगेट दिखा रहा है, हायर हाई पैटर्न दिखा रहा है। अगर इस हाई को ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 270 और इसके ब्रेकआउट के बाद 280 तक के भी टारगेट एनसीसी में हमको शॉर्ट टर्म में ही देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो जो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय से लिया होल्ड की सलाह नहीं है।